Hello viewers, I Gary Budyal welcome you all in this video. This is a very important video because we are going to cover the option chain analysis. इस वीडियो देखने के बाद आपकी ऑप्शन जर्नी 360 डिग्री चेंज होने वाली है बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न द ऑप्शन चेन एनालिसिस. कैसे करते हैं, क्या होता है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें एक सिंगल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. बहुत सारे सो कॉल्ड कोचेज इसको पेड कोर्सेज में सेल करते हैं, बट आपको ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. So make some noise in the comment section and do like the video. So let's start the video. अब ऑप्शन चेन यू कैन सी आपके सामने एक ऑप्शन चेन शीट है. ये एक निफ्टी की ऑप्शन चेन शीट है. इसको देखते कैसे ये आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा OI. OI is open interest. अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है. दिस इज अ पुट साइड एंड दिस इज द पुट साइड ओपन इंटरेस्ट. ठीक है, ये आपका ITM कॉल साइड का ITM है, ये पुट साइड का आपका ITM हो गया. ये OTM हो गया आपका पुट साइड का, ये OTM हो गया आपका कॉल साइड का. ठीक है, यहाँ पे OI है आपको दिख रहा है कॉल साइड का, यहाँ पे OI आपको दिख रहा है पुट साइड का. OI होता है ओपन इंटरेस्ट. ठीक है, इसको सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेलर्स की कितनी पोजीशंस मार्केट में अभी ओपन है. ठीक है, ये नियर बाय एक्सपायरी का लिया है मैंने, जो नेक्स्ट थर्सडे एक्सपायरी आ रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि इतनी सेलर्स की पोजीशन किस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन है. आप देखो सबसे ज़्यादा पोजीशंस कहाँ पे ओपन है नियर, अगर निफ्टी 17,600 चल रहा है तो नियर बाय आप देख रहे हो 17,700 पे नियर अराउंड 1 लाख पोजिशंस ओपन है. तो यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस एरिया, तो 17,700 एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा. अगर आप पुट साइड देखो तो सबसे ज़्यादा ओपन पोजिशंस कहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रही हैं 17,500. तो 17,500 एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट है. सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 17,500 स्ट्राइक प्राइस पे है पुट साइड पे. तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और कॉल साइड जो ओपन इंटरेस्ट है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है. ठीक है, उसके साथ ही चेंज इन OI होता है. ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग द डे कितनी पोजीशंस चेंज हुई हैं, कितना ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. ठीक है, अगर माइनस में होगा तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, अगर ये पॉजिटिव में है तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है. ठीक है, साथ में ही वॉल्यूम होता है, कितना वॉल्यूम आया है. उसके साथ IV होता है, IV वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है. राइट, LTP होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है. ठीक है, उसके साथ ही होता है चेंज, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस उसमें चेंज कितना हुआ है. चेंज अगर ग्रीन में है तो इंक्रीज हुआ है, लाइक पुट साइड देख रहे हो ये रेड में है, दैट मीन्स कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो डिक्रीज हुआ है. ठीक है, उसके बाद बिट क्वांटिटी, बिट आस्क प्राइस, सबको पता है कि क्या होता है, आस्क क्वांटिटी क्या है. इतनी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमें क्या चाहिए होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, OI, चेंज इन OI, वॉल्यूम, IV, LTP एंड चेंज इन LTP. दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमें पता होनी ज़रूरी होती है. इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले उसको क्लियर करते हैं. राइट, अभी आपके पास एक साइड कॉल होता है, दूसरी साइड पुट होता है. राइट, कॉल को आप बाय भी कर सकते हो, पुट को भी आप बाय कर सकते हो. राइट, कॉल को आप सेल भी कर सकते हो, पुट को भी आप सेल कर सकते हो. तो देर आर 4 डिफरेंट सिनेरियोज जहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग में काम होता है. कॉल बाइंग, पुट बाइंग. कॉल कब बाय करोगे, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है. राइट, पुट कब बाय करते हो, जब आपको लगता है मार्केट डाउन जाने वाली है. कॉल सेल कब करोगे, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट या तो डाउन जाएगी या साइडवेज रहेगी, तब आप कॉल सेल करते हो. पुट सेल कब करते हो, आपको लगता है या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट साइडवेज रहेगी, तो आप पुट सेल करते हो. राइट, तो ये 4 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं आपके पास. अब अगर आप कॉल को बाय करते हो, अगर आप कॉल को बाय करके चलते हो, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप, उसको लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं. अगर आप पुट को बाय करते हो, दैट इज अ लॉन्ग बिल्डअप ऑन द पुट साइड. अब अगर आपने लॉन्ग बिल्डअप किया है, अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, आपने ऑप्शन को बाय किया है, तो कहीं ना कहीं पे तो आप प्रॉफिट बुक करोगे.
अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैंसिल करोगे तो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपका प्रॉफिट टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। दोनों भी सिनेरियो में आपको लॉन्ग जो बिल्डअप है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी पोजीशन को कैंसिल करोगे, अपना प्रॉफिट बुक करोगे या अपना लॉस बुक करोगे, तो उस सिचुएशन में उसको बोलते हैं कॉल अनवाइंडिंग। अगर पुट साइड कर रहे हो तो उसको बोलेंगे पुट लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्लियर। जो भी आपकी लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन है अगर आप उसको कवर करते हो उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। या तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो या आप अपना लॉस बुक कर रहे हो कॉल साइड, लॉन्ग साइड, ओके। अगर आपने कॉल या पुट को सेल किया है उसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। अगर आपने कॉल को सेल किया है तो आप बोलोगे शॉर्ट बिल्डअप ऑन द कॉल साइड। अगर आपने पुट को सेल किया है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप ऑन द पुट साइड, राइट। अब अगर आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करोगे, कैंसिल करोगे, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक। लॉन्ग बिल्डअप आपने किया है तो वहां पे जब आप अपनी पोजीशन को कैंसिल करते हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। आपने शॉर्ट बिल्डअप किया है, अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैंसिल कर रहे हो ड्यू टू स्टॉप लॉस और ड्यू टू प्रॉफिट, जब भी आप कवर करोगे उसको उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। देर आर फोर थिंग्स जो आपको पता होने चाहिए, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, राइट। आई होप दिस टर्मिनोलॉजी इज क्लियर, बिकॉज इसका ऑप्शन चेन में बहुत ही बड़ा रोल है, वो आप आगे चल के समझोगे। नाउ सेम एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे आपको चेंज इन OI दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज इन LTP, दैट इज द LTP चेंज, राइट। चेंज इन OI, चेंज इन LTP ऑन द कॉल साइड हेयर, चेंज इन OI हेयर, चेंज इन OI एंड चेंज इन LTP। ये आपको रिलेशन बताएगा कि वहाँ पे ऑप्शन चेन चार्ट पे क्या हो रहा है। वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। अब ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, इसके लिए आपको फर्दर टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जो नेक्स्ट हम समझ रहे हैं एज अ ऑप्शन टर्मिनोलॉजी। अगर OI आपका इंक्रीज हो रहा है, अगर ऑप्शन के चार्ट पे OI ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, लोग ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करें, दैट मीन्स कि ज़्यादा पोजीशंस ओपन हो रही हैं एंड साथ के साथ आपका जो LTP है उसमें चेंज पॉजिटिव है, LTP इंक्रीज हो रहा है, LTP इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि ग्रीन में होगा LTP चेंज, और जो OI है वो भी इंक्रीज हो रहा है, LTP भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। हमें क्लियर कट पता है वहाँ पर लोग अपनी लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप करें। लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप कब होता है, अगर कॉल साइड होगा दैट मीन्स कि लोगों की थिंकिंग है वो एंटिसिपेट करें कि मार्केट ऊपर जाएगी, तभी लॉन्ग बिल्डअप होता है। पुट साइड अगर लॉन्ग बिल्डअप होता है दैट मीन्स लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट डाउन जाने वाली है। कभी भी इंक्रीज इन OI के साथ साथ प्राइस भी चेंज हो, इंक्रीज हो, उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। ओके नेक्स्ट वन, अगर OI आपका इंक्रीज हो रहा है बट LTP चेंज इन प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, OI इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस ओपन हो रही है मार्केट में, बट जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करें, वहाँ पे लोग ऑप्शन राइटर हैं, क्योंकि सेलिंग ऑप्शन राइटिंग होती है, ठीक है। बाय करना ऑप्शन बाइंग होती है, अगर ऑप्शन को सेल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन राइटिंग। ऑप्शन राइटर क्या करते हैं, उनको बेनिफिट कब होता है, जब ऑप्शन के प्रीमियम डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे OI इंक्रीज हो रहा है, ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स लोग वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। अगर ये कॉल साइड शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है दैट मीन्स वहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। अगर पुट साइड ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है दैट मीन्स मार्केट वहाँ से डाउन नहीं जाने वाली। ये हमें ऑप्शन चेन चार्ट पे देख के पता चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर OI जो है वो डिक्रीज हो रहा है बट LTP भी डिक्रीज हो रहा है, OI भी डिक्रीज हो रहा है, LTP भी डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन को कवर कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। OI भी डिक्रीज हो रहा है, और क्योंकि ऑप्शन जो बायर होगा, जो भी जिसने लॉन्ग बिल्डअप किया है वो बायर है, अब वो बायर होगा उसको बेनिफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी
तभी बेनिफिट होगा, दैट मीन्स कि जब एल टी पी इंक्रीज होगा तब उसको बेनिफिट होगा ऑप्शन बायर को, बट अगर एल टी पी डाउन आने लग गया वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को कैंसिल करना स्टार्ट कर देंगे, उनके स्टॉप लॉस सेट हो रहे हैं तो डिक्रीज इन ओआईओ होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, वो लॉन्ग अपनी पोजीशन को काट के भाग रहे हैं। ओके नेक्स्ट, डिक्रीज इन ओआई, ओआई डिक्रीज हो रहा है बट एल टी पी इंक्रीज हो रहा है, ओआई डिक्रीज हो रहा है माइनस में है, लोग अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं बट एल टी पी लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस है जो चेंज है वो पॉजिटिव में है, वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स लोग अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट बिल्डअप किया हुआ है एंड यहाँ पे ओआई डिक्रीज हो रहा है, वो अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो देर आर फोर डिफरेंट सिनेरियोज, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये आपको पता कैसे चलेगा ये चीज़ें देख के, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या नोटबुक पे नोट कर लीजिए ये चीज़ें। इंक्रीज इन ओआई, इंक्रीज इन एलटीपी, लॉन्ग बिल्डअप, इंक्रीज इन ओआई, डिक्रीज इन एलटीपी, शॉर्ट बिल्डअप, डिक्रीज इन ओआई, डिक्रीज इन एलटीपी, लॉन्ग अनवाइंडिंग, डिक्रीज इन ओआई एंड इंक्रीज इन चेंज इन एलटीपी, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। चलिए आप इसको ऑप्शन चेन पे देखते हैं कि ऑप्शन चेन पे क्या होता है। अब ऑप्शन चेन के लिए क्या करोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे ऑप्शन चेन, जैसे मैंने सर्च किया, ओपन करो, फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख जाएगी ऑप्शन चेन एनएसी, ओपन करो, फिर जो भी आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी वो मैं सेट कर लूँगा, एक्सपायरी नियर बाय मेरी आ रही है 9 मार्च, अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो 6 मंथ के बाद देख रहे हो, 1 ईयर के बाद देख रहे हो, तो जो भी आपकी नियर बाय एक्सपायरी है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं डाउन आऊँगा तो अभी मार्केट यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ऑप्शन चेन शीट ओपन हो गई है, राइट। ओके, अब इस ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो चेंज इन ओआई है वो नेगेटिव में है, कैन यू सी हियर, द चेंज इन ओआई इज नेगेटिव हियर एट, चेंज इन ओआई नेगेटिव में है एंड एलटीपी पॉजिटिव में है, चेंज इन ओआई नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है एंड एलटीपी चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने अभी देखा अगर मार्केट में ओआई डिक्रीज हो रहा हो, ओआई डिक्रीज हो रहा हो एंड एल टी पी इंक्रीज हो रहा, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग, यहाँ से लोग भाग रहे हैं, कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग हो रही है, क्लियर। लोगों ने कॉल साइड शॉर्ट पोजिशन बनाई हुई थी, शॉर्ट पोजिशन लोग कॉल साइड कब बनाते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली, अब मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया तो ये अपनी शॉर्ट पोजिशन कवर करके भाग रहे हैं, क्लियर। पुट साइड देख लो, पुट साइड चेंज इन ओआई इज पॉजिटिव एंड LTP चेंज नेगेटिव, चेंज इन OI पॉजिटिव, LTP नेगेटिव, OI इंक्रीज हो रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे पुट साइड सॉलिड सॉलिड शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई है। पुट साइड शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप होने का मतलब क्या है, कि मार्केट डाउन तो नहीं जाने वाली। आज 4 मार्च है, मैं 4 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ, यू कैन सी, आप कल की डेट का 3 मार्च का जाके डाटा चेक करोगे मार्केट डाउन गई या नहीं गई, मार्केट क्लियर कट, मार्केट ने अपसाइड डायरेक्शन दिया है, क्यों, क्योंकि कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग आई है, पुट साइड शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, दैट आर क्लियर कट बुलिश साइन, क्लियर। शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड हुआ है, दैट मीन्स मार्केट डाउन नहीं जाने वाली, शॉर्ट कवरिंग होगी कॉल साइड, मतलब जो लोगों को लग रहा था कि मार्केट डाउन नहीं जाएगी वो अपनी शॉर्ट पोजिशन कवर करके भाग रहे हैं, तो मार्केट अप जाना स्टार्ट करेगी यहाँ से, क्योंकि पुट साइड शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग हो रही है, दैट इज अ क्लियर कट बुलिश साइन। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, जो कॉल साइड आउट ऑफ द मनी है, यहाँ पे पोजीशंस चेंज हुई हैं, पॉजिटिव हैं एंड चेंज इन ओआई भी पॉजिटिव है, चेंज इन ओआई भी पॉजिटिव है एंड चेंज इन एल टी पी भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स वहाँ पे लोग लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप, इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, हमने चार्ट पे देखा था, इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप,
OI भी इंक्रीज़ हो रहा है, LTP भी इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करें। कॉल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का मतलब क्या है, लोग बुलिश हैं, मार्केट ऊपर जाएगी। मैं 4 मार्च को ये वीडियो बन रही है, यू कैन चेक द डाटा ऑफ 3 मार्च के कितना बड़ा मूव निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में मार्केट ने दिया है, राइट। सो दिस इज़ द वे जिससे आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है, राइट। यू कैन सी मार्केट में पुट साइड पे ATM में भी, OTM में भी एंड ITM में भी पुट साइड शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, क्योंकि LTP डिक्रीज हो रहा है, OI इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ अ साइन ऑफ शॉर्ट बिल्डअप। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है एंड ये नेगेटिव है। कॉल साइड इन द मनी जो थे वो नेगेटिव में है, चेंज इन OI पॉजिटिव में है, दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। आउट ऑफ द मनी में चेंज इन OI पॉजिटिव है, चेंज इन LTP पॉजिटिव है, चेंज इन OI पॉजिटिव है, चेंज इन LTP भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। आप जाके डाटा चेक कर सकते हो कि 3 मार्च 2023 को मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है। और नेक्स्ट जो मंडे आने वाला है तभी भी उसके लिए भी डाटा बुलिश है। ये डाटा जब भी आप ये डाटा चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये डाटा मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड चेंज होता रहता है। थोड़ा सा डिले होता है डाटा ऑप्शन चेंज शीट पे, बट ये चेंज होता रहेगा। मार्केट इज़ वेरी डायनामिक, ये नहीं है कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया। यू कैन सी हियर 17500 पे एक हैवी OI चेंज हुआ है, OI ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है 17500 पे। ऊपर सपोर्ट एरिया कहाँ पे है, एक 17700 पे, 17700 के बाद है यहाँ पे 17900 पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। 17700 रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है क्योंकि वहाँ पे क्या है, हैवी ओपन इंटरेस्ट अभी भी ओपन है, हैवीली ओपन इंटरेस्ट 17900 पे भी ओपन है, उसके बाद 18000 पे ओपन है ओपन इंटरेस्ट। तो 3 मेजर ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहे हैं, 1,17700 पे, 1,30,000 17900 पे एंड 1,41,000 18,000 पे। तो ये 3 मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं। अगर 17700 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 17900 है। 17900 ब्रेक होता है तो जो 18000 है वो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट मंडे तक रहेंगे। वी नीड टू चेक मंडे को ये सिनेरियो क्या होता है, मॉर्निंग में विद इन 15 मिनट्स, विद इन 1 आवर ये सिनेरियो सारे चेंज हो जाते हैं। यू नीड टू चेक थॉरली कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर पोजिशन चेंज हो रही हैं, यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर पोजिशन यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया, लेट्स सपोज कि यहाँ पे 94,000 है अभी चेंज, ठीक है, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 1 आवर ये 60,000 हो जाता है, 50,000 हो जाता है, दैट मीन चेंज कम हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज OI डिक्रीज हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग हमें मार्केट में एक्ट करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग हमें मार्केट में ट्रेड लेना पड़ेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे पुट साइड देखें, यहाँ पे 5,000 स्टार्टिंग में 5,000 है, बट मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे 25,000 पॉजिटिव हो गया, या 1 घंटे में 25,000 पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स चेंज इन OI पॉजिटिव आ चुका है। तो हमें उस अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। तो वी नीड टू चेक थॉरली कि ये डाटा क्या बोल रहा है। सिर्फ डे के एंड पे डाटा एनालिसिस करके हम ट्रेड नहीं ले सकते, लाइव मार्केट में हमें इस डाटा को एनालिसिस करना होता है कि कहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही है, कहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, एंड जो आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस क्या है, एक्सपायरी कौन सी है। बिकॉज ऊपर जाके मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे 9 मार्च की एक्सपायरी है नियर, मैं 16 मार्च की एक्सपायरी करूँगा तो ये डाटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक्सपायरी थोड़ी सी दूर होगी है तो प्राइजेस भी चेंज हो जाएंगे। यू कैन सी डाटा पूरे डायनामिक्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। यहीं पे जाके मैं बैंक निफ्टी का भी चेक कर सकता हूँ। यू कैन सी हियर बैंक निफ्टी का 9 मार्च की एक्सपायरी का मैं यहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ ऑप्शन चेन पे। यू कैन सी हियर सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। यू कैन सी हियर चेंज इन OI है वो नेगेटिव है, और चेंज इन LTP पॉजिटिव है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, चेंज इन OI पुट साइड पॉजिटिव है, चेंज इन OI नेगेटिव है, दैट मीन्स शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, एंड कॉल साइड आउट ऑफ द मनी देखेंगे ये पॉजिटिव है, और LTP
भी पॉजिटिव है, चेंज पॉजिटिव हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो क्लियर कट साइन है कि मार्केट बुलिश है। तो इस दिन मार्केट बुलिश थी। 3 मार्च को मार्केट ने 800 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में मूव दिया, यू कैन गो एंड चेक। अब नेक्स्ट जो मंडे आने वाला है, तो यहाँ से हम देख के चेक कर सकते हैं कि अभी के लिए डाटा पॉजिटिव है, मार्केट बुलिश है, एंड नाउ वी नीड टू चेक इन द मॉर्निंग के डाटा चेंज कहाँ पे होता है। ये मार्केट मॉर्निंग में ही डाटा चेंज करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करो, यू कैन सी ऑन द पुट साइड 41,000 पे हाईएस्ट पोजीशन 111,000 के आसपास पोजीशंस ओपन है मार्केट में, शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। दैट मीन्स 41,000 एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। अगर आप कॉल साइड देखोगे तो कोई भी रेजिस्टेंस, एक सब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया मुझे ऊपर वाली तरफ नहीं दिख रहा है। ये 42,000 पे जाके 91,000 है और 71,000 भी है यहाँ पे 41,500। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 41,500 पे सबसे ज़्यादा पोजीशंस ओपन है 71,000, एंड उसके बाद 42,000 पे 91,000 के आसपास पोजीशंस ओपन है। तो ये दो एरियाज एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। बट अगर ये डाटा 1 लाख प्लस होता तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होता, बट नाउ द रेजिस्टेंस इज वीक बट द सपोर्ट एरिया इज स्ट्रॉन्ग। तो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो इज बुलिश। तो मंडे हम एक बुलिश साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाय रीडिंग द डेटा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, प्लीज़ वीडियो को रिपीट पे देखिए, नोट्स बनाइए। अगर फिर भी डाउट पेंडिंग है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर देयर। ऐसा नहीं है कि एक बार देखने के बाद आप ऑप्शन चेन सीख जाओगे, बट यू नीड टू प्रैक्टिस इन द लाइव मार्केट। ठीक है, आप लाइव मार्केट में देखिए कि कैसे सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना आप सीख जाओगे। एंड फिर भी कोई डाउट रहता है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर। राइट, सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।